और अब बात वोटर लिस्ट से जुड़े हुए धांधली की। यूपी में आने वाले 2 महीने में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन प्रधान वही बनेगा जिसके पक्ष में वोटर नहीं वोटर लिस्ट होगी, क्योंकि बस्ती के सलेमपुर गांव में वोटर लिस्ट में धांधली का मामला सामने आया, जहां पर असली वोटर का नाम काटकर नकली वोटर का नाम डालने को लेकर बवाल मच गया। गांव के लोगों ने आरोप लगाया है कि वोटर लिस्ट और कोई नहीं बल्कि तहसील के कर्मचारी राजनीतिक दबाव में तैयार कर रहे हैं ताकि अपने चहेतों को प्रधान बनाया जा सके। सत्ता राजनीति की अंतिम सीढ़ी का नाम है। चुनाव चाहे जो हो, जीत और सत्ता पर काबिज होना ही लड़ने वाले उम्मीदवार का एकमात्र लक्ष्य होता है। और ये बात हरैया तहसील के कर्मचारियों को पहले से समझ आ गई, जहां पर पंचायत चुनाव से पहले जीत का ऐसा गणित लगाया जा रहा है कि जब चाहे चुनाव, जीत उसी की होगी जिसके पक्ष में वोटर लिस्ट होगी। दरअसल आने वाले 2 महीने में पंचायत चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही गाँव में बवाल कराने वाली वोटर लिस्ट तैयार हो रही। वोटर लिस्ट कोई और नहीं बल्कि तहसील के कर्मचारी ही अपने आर्थिक लाभ और राजनीतिक दबाव में तैयार कर रहे हैं। जो बीएलओ हैं हमारे अजमान सारी जी, उनको बार बार कहा जा रहा है, उन्होंने जो नाम जायज है सही मौके पर निवास कर रहे हैं, लगभग 225 नाम विलोपन करके सूची जमा करना चाहते हैं। हम लोग जब आते तो यहाँ चले जाते हैं। वो तो क्या गोंडा जनपद के भी कुछ लोगों का नाम आपके गाँव गोंडा जिला का भी है काटा बीएलओ ने? उसमें जाँच हुई है, नहीं बनाया है। ये मामला हरैया तहसील के सलेमपुर कुंवर गांव का है, जहां बीएलओ अजमल अंसारी पर आरोप लगा है कि इन्होंने दूसरे जिले के वोटर्स का नाम जोड़कर गांव के 200 से अधिक असली वोटरों का नाम काट दिया। दरअसल हरैया तहसील का सलेमपुर गांव बस्ती और गोंडा के बॉर्डर पर पड़ता है, जिसका फायदा पंचायत चुनाव में प्रधान पद के उम्मीदवार उठाना चाहते हैं। हमारे ग्राम सभा में जो मूल रूप से निवास करते हैं सलेमपुर कुंवर में, जो 200 नाम जो ओरिजिनल है उसको फर्जी तरीके से बीएलओ के द्वारा उसको विलोपन करके काटा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक बीएलओ ने गोंडा जिले के 42 लोगों का नाम इस गांव की वोटर लिस्ट में जोड़कर उन्हें यहां का वोटर बना दिया है, जबकि गाँव में रहने वाले 200 असली वोटरों के नाम काट कर उनसे वोट देने का अधिकार छीन लिया गया है। ये एकदम नया हथगंडा इन लोगों ने अपनाया हुआ है। इसमें ऐसा है कि यहाँ के जो मूल वोटर हैं उनको कटा के बाहरी वोटरों की जगह अपने वोटर लिस्ट में रखे जाए, जिससे कि इनको चुनाव में वोट अपने पक्ष में डलवाने में आसानी हो, और ये बाहरी वोटरों को ला करके अपने यहाँ ग्राम सभा में वोटर बनाना चाह रहे हैं। इस गड़बड़ छाले की जानकारी जैसे ही प्रत्याशी गीता सिंह और उनके प्रतिनिधि को हुई तो उन्होंने SDM हरैया नंद किशोर कलाल से मिलकर आपत्ति दर्ज कराई और मांग की कि बीएलओ द्वारा जिन ग्रामीणों के नाम काटे गए उन्हें तत्काल जोड़कर उन सभी को गांव का वोटर बनाया जाए और फर्जी वोटरों के नाम लिस्ट से हटाए जाए। इस बार साहब जुड़वाए थे, पिछली बार कटवाए थे, इस बार जुड़वाए हैं, उनसे कटवाने लिए तैयार हैं। तो आपको आपके अधिकार से वंचित कौन कर रहा है साहब? ये बीएलओ कर रहे हैं उनको। बीएलओ साहब ने कहा नहीं कि भाई हम तो वोटर हैं, हमारा नाम जोड़िए? तो साहब मैंने कहा, उसके बाद भी अब फर्जी जो लिस्ट बना रहे हैं उस काटने के लिए। पंचायत चुनाव में सत्ताधारी दलों के बड़े नेता अपने चहेतों को प्रधान बनाने के लिए हर हथकंडा अपना रहे। सबकी कोशिश है कि वोटर लिस्ट में खेलकर मनचाहा वोट हासिल हो जाए और उनका अपना गांव का प्रधान बन जाए, लेकिन बार बार शिकायत दर्ज कराने और हरैया तहसील के चक्कर काटने के बाद भी SDM ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की है। तो क्या मान लिया जाए कि वोटर लिस्ट की इस हेराफेरी में बीएलओ सिर्फ एक मोहरा है, वजीर और राजा कोई और है जिस पर कार्रवाई करने से SDM साहब भी बच रहे? बस्ती से सतीश श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।